तो यहाँ पे अपनी मॉन्स्टर ग्रिल जो है वो इंस्टॉल करी जा चुकी है, जो कि आप लुक चेक कर सकते हो, बहुत जबरदस्त आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में भैया बॉडी कलर के अंदर एबीएस गार्ड लगा के दे दिया भैया गाड़ी, तो नीचे 2 इंच का प्रोजेक्टर लगा दिया, देखोगे तो प्रॉपर फिटिंग आया, कोई गैप नहीं, कोई कुछ नहीं है। अलॉयज लगा दिया भैया 18 इंच के अंदर, रेन वाइजर, विंडो गार्निश, साइड बिटिंग, व्हील आर्च, ठीक है, चारों पार्ट के एमआरपी में 61% ऑफ रहने वाला है। कॉफी ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा, फुल बकर रहेगा, लाइफ टाइम गारंटी वाली सीट रहेगी, इसकी कॉस्टिंग 7500 रुपए आती है। आपने आमरस लगा दिया देगा 2400 रुपए का, मारुति जेनुइन पार्ट, किस तरीके का जो है वो अपना रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कुशनिंग मिल जाती है भैया साथ में ना, ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको एक वेलकम फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि रेनबो मोड के साथ अपना प्रॉपर वर्क करेगा। डिस लगा दिया कॉम्प्लीमेंट्री भैया दोनों के दोनों पार्ट, 4GB RAM, 32GB मेमोरी विद एप्पल कार्प्ले एंड्रॉइड ऑटो के साथ लगाया था। अगर हम बात करें तो आउटपुट वगैरह जो है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी तिवारी कार एक्शन सीरीज करोल बाग में, और अगेन अपने सामने खड़ी है मारुति सुजुकी की ब्रेजा। सबसे पहले मिलते हैं बिट्टू भाई से। बिट्टू भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भैया। तो बिट्टू भाई क्या रहने वाला आज की इस वीडियो के? ब्रेजा रहेगी भैया अपनी बेस मॉडल LXi के अंदर, पेट्रोल के अंदर, ठीक है जी। ये गाड़ी अपनी लोकल दिल्ली की है, यहाँ पर नंबर चेक कर सकते हैं, और लगभग बेस टू टॉप का सारा काम हो रहा है भैया। इसको बेस टू टॉप इसको मॉडिफिकेशन कहेंगे भैया, मोड करवा रहे हैं अपनी गाड़ी के अंदर, मतलब के जो जेनुइन पार्ट्स के अलावा भी कुछ चीजें लग रही हैं, बिल्कुल, जो कि आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे लगाएंगे प्रोजेक्टर, ओके जी। तो पहला मोड ही स्टार्ट यहाँ पे, ठीक है भैया। प्रोजेक्टर लगेगा 152 वाट की एलईडी लगेगी उसके अंदर, 152 वाट की एलईडी। तो कितने इंच का प्रोजेक्टर रहता है? 2 इंच का प्रोजेक्टर, इसमें प्रॉपर फिटमेंट आता है, इसके प्रॉपर केस के साथ आता है वो, ठीक है जी। ठीक है, हेडलाइट रहेगा 300 वाट की एलईडी, ठीक है जी। अल्टीमेट लाइट रहने वाली गाड़ी के अंदर। आगे पीछे एबीएस गार्ड लगेगा भैया प्रॉपर वाला, जो एबीएस वाला आता है अपना, सिल्वर और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ। अब उसमें देख लेंगे भैया कलर कॉम्बिनेशन क्या लेंगे, व्हाइट मिलेंगे या सिल्वर लेंगे, जो लेंगे वो दोनों मिल जाएगा भैया, ठीक है जी। ऑप्शन अपने पास सारे मिल जाएंगे, ऑप्शन सारे मिल जाएंगे। साइड से भी अलॉयज लगवाएंगे, 17 या 18 इंच का भी डिसीजन चल रहा है, जो लगवाएंगे वो लगा लेंगे, ठीक है जी। मतलब आफ्टर मार्केट तरफ भी जा सकते हैं? जी जाएंगे, वही जाएंगे आफ्टर मार्केट। साइड से रेन वाइजर, विंडो गार्निश, साइड में तीनों पार्ट लगेगा, व्हील आर्च लगेगा, ठीक है जी। चारों पे 61% ऑफ रहने वाला है एमआरपी, ठीक है, जो अपना रहता है। फॉग गार्निश कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, रियर मिरर गार्निश कॉम्प्लीमेंट्री, बूट लाइट कॉम्प्लीमेंट्री रहने वाला अपना, ठीक है जी। गाड़ी के अंदर आएंगे भैया, गाड़ी के अंदर देखो, क्योंकि गाड़ी अभी रॉ है, मतलब जस्ट इस वाली गाड़ी का काम जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे सारी सीटें वगैरह जो है वो निकल रही हैं अपना, फ्लोर वगैरह आप जो है चेक कर सकते हो, स्टीयरिंग व्हील देख सकते हो, बिल्कुल बेसिक है। स्टीरियो नहीं आता वो चेक कर सकते हो, स्पीकर नहीं आते, मतलब अभी गाड़ी का ना काम स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल रॉ मटेरियल गाड़ी है। तो क्या कुछ लगेगा? सबसे पहले एंड्रॉइड लगाएंगे भैया डैप्स का, ठीक है जी। ठीक है, पीछे कैमरा लगेगा ब्लॉपंग का, चारों कंपोनेंट लगने वाले हैं, चारों कंपोनेंट जी प्राइमस के, हाँ जी। गाड़ी में प्रॉपरली होगी डैम्पिंग, ठीक है, एम्बियंस लाइट K4 की, स्टीयरिंग, स्टीयरिंग कवर, सॉफ्ट टच, फ्लोरिंग, आर्मरेस्ट, फ्रंट रियर USB, ठीक है जी। पीछे हेडरेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री अपना, ठीक है। पीछे पार्सल ट्रे, बूट लाइट, लगभग मतलब जितनी चीज लग सकती है आफ्टर मार्केट या फिर अपनी जो जेनुइन, सब इस वाली गाड़ी के अंदर रहने वाली, बिल्कुल। डैशबोर्ड किट लगेगा, सनग्लास होल्डर लगने वाला है, ठीक है जी, इस सब लगेगा इस गाड़ी के अंदर। बाकी रूफ रैप वगैरह? रूफ लगे, रूफ रैप होगा डुअल टोन के अंदर, मतलब ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन जो है आपको मिल जाएगा इस वाली कार के अंदर, ये सारा काम होने वाला है। तो अभी आप जो है बिल्कुल रो यहाँ पे चेक कर सकते हो गाड़ी, और पार्ट्स वगैरह आना जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आर्मरेस्ट रहेगा अपना, सनग्लास होल्डर रहेगा, ठीक है जी। जो भी आएगा सब ओरिजिनल पार्टी आएगा, जो मारुति का आ सकता है, ठीक है। तो एक बार गाड़ी का काम जो है उन प्रोसेस होता है, फिर आप लोगों को चेक करवाते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो दोस्तों अपनी मॉडिफाइड ब्रेजा का सारा कुछ काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और लुक आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा चेंजेस जो है वो आ चुके हैं पहले के मुकाबले में, बिल्कुल। तो बिट्टू भाई क्या कुछ रहेगा इस वाली कार के अंदर? गाड़ी पूरी कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है आपके सामने रहने वाला है। सबसे पहले ग्रिल चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे अपनी मॉन्स्टर ग्रिल जो है वो इंस्टॉल करी जा चुकी है, जो कि आप लुक चेक कर सकते हो, बहुत जबरदस्त आपको देखने को मिल जाएगा, और इस ग्रिल से ही बहुत अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल। साथ में बॉडी कलर के अंदर एबीएस गार्ड लगा के दे दिया भैया गाड़ी, ठीक है जी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो बॉडी कलर को मैच करता हुआ एबीएस गार्ड जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया जा चुका है, जिसपे आपको प्रॉपर ब्रेजा की बैजिंग मिल जाएगी, और जनरली नीचे सिल्वर कलर का स्किन पैड वाला पार्ट आता है, इसके अंदर जो है वो अपना बॉडी कलर का ही रहने वाला है। यहाँ पे आप कंप्लीट जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक, बिल्कुल भैया। साथ में भैया भैया को लाइट चाहिए थी, लाइट के हमने क्या करा, नीचे 2 इंच का प्रोजेक्टर लगा दिया, देखोगे तो प्रॉपर फिटिंग आया, कोई गैप नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो मतलब इसका प्रॉपर फ्रेम के साथ ही लगाया गया, फ्रेम के साथ कटिंग नहीं करी गई, बिल्कुल प्रॉपर फ्रेम लगाया गया, कटिंग कुछ नहीं की है, ठीक है जी। ठीक है, 152 वाट की एलईडी रहती है इनबिल्ड, हाँ जी। साथ में हेडलाइट लगाया 300 वाट की एलईडी, ठीक है जी। अल्टीमेट राइड का रिस्पॉन्स रहेगा, अगेन फॉग लैंप जो कनेक्शन है उसके ओरिजिनल स्विच से ही किया गया, अगर आप देखेंगे तो आपको स्विच जो है यहाँ पर देखने को जो है वो मिल जाने वाला है, ठीक है जी। अगर आप कंपनी के अंदर भी 6000 रुपये खर्च करेंगे, आपका मन है फॉग लैंप में, तो बाहर आ गया थोड़ा सा बढ़ा लो, आपकी गाड़ी में प्रोजेक्टर लग जाएगा, बहुत अल्टीमेट लाइट हो जाएगी, और उसकी रोशनी बिल्कुल भी नहीं होती, उसकी लाइट बिल्कुल नहीं होती, इसकी लाइट एक अल्टीमेट रहने वाली है, ठीक है जी। ठीक है, बाकी गाड़ी की लाइट का रिस्पांस देखेंगे, तो यहाँ पे रिस्पांस कैसा कुछ आने वाला है वो आप चेक कर सकते हो किस तरीके का रहेगा। ये फॉग लाइट हेडलाइट दोनों का है, हाई और लो प्रॉपर आपको देखने को मिल जाने वाला है। अंधेरे में भी गाड़ी की प्रॉपर लाइट रहने वाली है, गाड़ी अभी ऐसे खड़ी है,
इसलिए लाइट इसकी रोड पे जा रही है, बाकी गाड़ी बेहो चेक कराई, अल्टीमेट लाइट रहने वाली है गाड़ी के अंदर। ठीक है, अभी स्लो भी कंडीशन में नहीं होती तो परफेक्ट व्यू आपको मिल जाता। साथ में फॉगर पे गार्निश लगा दिया, कॉम्प्लीमेंट्री से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया गया भैया से। तो ये अपनी क्रोम इंसर्ट जर्मन एक्सेसरी वाला पार्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी भैया मॉडिफाइड वेरिएंट कुछ फ्रंट से ये रहने वाली है, आप देख सकोगे। तो लुक इसका जो मेन रहेगा वो ये रहने वाला है। तो सामने से लुक आप यहाँ पर एक फ्रेम में चेक करें किस तरीके का जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। लुक बहुत शानदार जो है वो बन चुका है। बाकी साइड से क्या रहने वाला अपना गाड़ी के साइड पर जो गाड़ी पर काम है इसकी टेपिंग में रहने वाला है, आप देख लो। लाइट लगी अपनी गाड़ी जिसके ऊपर टेपिंग का काम जो है वो किया गया है। एवरी डेंसिंग की टेपिंग जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल करी गई है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बिल्कुल भी है। ड्यूल टोन होने वाली है, एवरी डेंसिंग की टेपिंग रहेगी और 3500 रुपए की कॉस्टिंग आती है ड्यूल टोन को, लेकिन आप प्रीमियम क्वालिटी रहेगा। ठीक है, आपकी बॉडी का पेंट भी फाड़ेगा, गाड़ी का लुक देख लो ड्यूल टोन कैसा रहने वाला है। मतलब कि एकदम से जिस तरीके से आपको कंपनी टॉप मॉडल में ऑफर करती है वैसा ही लुक आपको आने वाला है। साइड में भैया अलॉय लगा दिया भैया 18 इंच के अंदर, तो ये अपना 18 इंच के प्रोफाइल के साथ जो है वो रहने वाला है, आप चेक कर सकते हो। वैसे जर्मन वाले आते हैं वो 16 इंच के आते हैं, बट 2 इंच जो है वो ज्यादा अपडेट कर देगा। ठीक है जी, आपको गाड़ी का साइड से ये लुक रहेगा अलॉय के बाद। तो विद अलॉय किस तरीके का लुक आ रहा है वो आप यहाँ पर एक फ्रेम में चेक कर सकते हैं। मतलब गाड़ी काफी ज्यादा रोबस्ट हो चुकी है। बिल्कुल, गाड़ी मॉडिफाइड हो चुकी है। साथ में रेन वाइजर, विंडो गार्निश, साइड बिटिंग, व्हील आर्च, ठीक है, चारों पार्ट की एमआरपी में 61% ऑफ रहने वाला है भैया। सीधा सीधी 2350 में 61% ऑफ, 2250 तो 61% ऑफ रहेगा तीनों चारों पार्ट पे आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, साथ में भैया रेंज रोवर कॉम्प्लीमेंट्री लगा दिया भैया के लिए, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अरे ओआरएम चेंज करने का ऑप्शन था लेकिन भैया ने वो नहीं करवाया, किसी भाई को करवाना है 7000 रुपए का इसमें मोटर डल जाएगा, पूरा मिरर चेंज करना है 10500 रुपए का, कंप्लीट सेटअप। ठीक है, साइड से यही काम रहने वाला है गाड़ी का, मेन काम जो है गाड़ी के फ्रंट साइड से लुक के ऊपर वो रहने वाला है। तो लुक जो है बहुत जबरदस्त यहाँ पे हो चुकी है, और ये आप कंप्लीट जो व्यू है वो एक बार फिर से चेक कर सकते हो किस तरीके का रहने वाला है। गाड़ी के बैक साइड से जो गाड़ी में काम हो भैया डिफ्यूजर पे रहने, जो बॉडी कलर व्हाइट में रहेगा। आज तक आपने जितनी भी वीडियोस देखी होंगी उसके अंदर डिफ्यूजर जो है बॉडी कलर नहीं था, ये वाली वीडियो में बॉडी कलर है, जिस गाड़ी का कलर है सेम वही कलर के साथ यहाँ पे लगा दिया भैया। ठीक है, सेम बॉडी लगा दिया, यहाँ पे मफलर मिल जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है, साथ में ये रिफ्लेक्टर लगा दिया स्कैनिंग मोड के अंदर, तो ये अपना पार्किंग ब्रेक इंडिकेटर तीनों के साथ काम करेगा। रियर कैमरा लगा दिया भैया ब्लॉकपंग का 4.4 AHD कैमरा, जिसकी प्लेसमेंट आपको नंबर प्लेट मिल जाएगी। बिल्कुल, गाड़ी अपनी पेट्रोल रहने वाली थी इसलिए हमने पार्सल टू लगा दिया, मारुति जेन्युइन पार्ट। ठीक है जी, 1400 रुपए के रेंज में बूट लाइट कॉम्प्लीमेंट्री लगा दी भैया, ये आप गाड़ी चेक कर सकते हैं, प्रॉपर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ तक कि बूट मैट भी हमने भैया को दिया, वो भी ओरिजिनल दिया है, जो हमारे पास ओरिजिनल था तो हमने ओरिजिनल लगा के दिया भैया। ये मतलब ओरिजिनल मारुति का है, मारुति का किसी GFX का नहीं है, कोई अदर ब्रांड का नहीं है, मारुति ओरिजिनल मैट रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख करके समझ सकते हो कि मारुति वाला मैट जो होता है बिछाने वाला वो भी ऐसे ही आता है, ऐसे ही आता है। बिल्कुल, ठीक है जी, ओरिजिनल मैट रहने वाला, बैक साइड से यही काम रहने वाला है। तो अब बारी है कार के इंटीरियर को चेक करवाने की, इंटीरियर के अंदर भी काफी कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले जो गाड़ी में काम हुआ भैया इसकी डैम्पिंग पे रहने वाला है। ठीक है जी, ड्यूल डोर डैम्पिंग हुई है आपके सामने, ये डैम्पिंग एरिया रहेगा, ये नॉन डैम्पिंग एरिया रहेगा। तो फर्क आवाज के अंदर, टीन का डब्बा है ये टीन का डब्बा नहीं है बेसिकली। ठीक है, ठीक है, तो आधी टीन का डब्बा आधी टीन का डब्बा नहीं है। साथ में भैया गाड़ी के अंदर प्रॉपरली सीट कवर लगा दिया, फुल बकेट लाइफ टाइम गारंटी वाले, तो ये आप चेक करें। सबसे पहले यहाँ पे आपको कॉफी ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा, और ऑल टाइम फेवरेट सीट कवर जो है वो अपने रहने वाले हैं, काफी लोग पसंद करते हैं सीट कवर्स को, और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट जो है वो देखने को यहाँ पर मिल जाने वाला है। बिल्कुल भैया, फुल बकेट रहेगा, लाइफ टाइम गारंटी वाली सीट रहेगी, इसकी कॉस्टिंग 7500 रुपए आती है। ठीक है जी, जैसा आपको चाहिए वैसा मिल जाएगा। ठीक है भैया, साथ में आमरेस लगा दिया जाएगा 2400 रुपए का, मारुति जेन्युइन पार्ट, जिसमें आपको स्लाइडिंग का जो फीचर है वो मिल जाता है, नीचे की तरफ स्पेस जो है वो रहने वाला है, और इसके अंदर इंटीरियर मैच के हिसाब से, क्योंकि इसमें गत्ते भी इंटीरियर मैच के किए गए हैं, तो इस हिसाब से इसका जो अपना कपड़ा है वो भी चेंज कर दिया गया है। साथ में भैया फ्रंट यूज भी लगा दी 1000 रुपए के रेंज में, मारुति जेन्युइन पार्ट। ठीक है, रियर यूज भी लगा दी 1500 रुपए के रेंज में, मारुति जेन्युइन पार्ट, दोनों ही आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। साथ में सीट वही सेम कॉम्बिनेशन में, दरवाजे लेदर अप कर दिए गए हैं, तो यहाँ पे अभी आप को ड्राइवर साइड डोर देख रहे हैं, ड्राइवर साइड में आपको क्लोजर व्यू जो है वो चेक करवा देते हैं किस तरीके का जो है वो अपना रहने वाला है, और प्रॉपर बर्फी डिजाइन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये आप चेक कर सकते हो। कुशनिंग के साथ जो है ये अपना कम्प्लीट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है जी, बिल्कुल, यहाँ पे कुशनिंग मिल जाती है भैया साथ में ना। हाँ जी, साथ में आप देखें तो K4 की एम्बियंस लाइट लगाई गई है, तो जैसे इसको आप ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको एक वेलकम फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि रेनबो मोड के साथ अपना प्रॉपर वर्क करेगा। बिल्कुल भैया, K4 लगा दिया, 10 पीस में, चार अपने दरवाजे में, हाँ जी, दो अपने डैशबोर्ड में, चार अपने पैरों में। ठीक है जी, तो यहाँ पे अपने पैरों में भी चेक कर सकते हो, इसको आप फोन के थ्रू एप्लीकेशन में कंट्रोल कर सकते हो, तो जिस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन आपको चाहिए वो आप लगा सकते हो। इसमें रेनबो मोड और बहुत सारे मोड जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बिल्कुल, K3 की और K4 दोनों की 1 साल की वारंटी होती है, बाकी आपको नॉन वारंटी चाहिए सस्ता भी मिल जाएगा, जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। ठीक है जी, 7 पीस का डैशबोर्ड भी लगा दिया, मारुति 2400 रुपए के रेंज में। तो दरवाजे पे आप चेक करोगे, जो सिल्वर इंसर्ट्स हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, 2 पीस आपको डैशबोर्ड के ऊपर, 1 पीस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 1 पीस बड़ा वाला जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और उसी के साथ कनेक्टेड अपना नागिन वाला पीस जो है वो आपको देखने को मिल जाने वाला है। बिल्कुल, साथ में इनर हैंडल भी लगवाएंगे, लगवा दे तो 500 रुपए के चारों पार्ट। ठीक है जी, सेट ऑफ 4 पीसेस,
स्टीयरिंग चेंज किया ZXI वाला, तो ये आप चेक कर सकते हो ZXI वाला स्टीयरिंग व्हील जो है वो चेंज किया गया है। और कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स जो है वो देखने को मिल जाने वाले हैं, ये रहने वाला है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स वर्किंग मिलेंगे, क्रूज कंट्रोल वर्क नहीं करेगा। गाड़ी की लाइटें ऑन है, तो यहाँ पे इसकी लाइटें जो है वो अपनी ऑन रहने वाली है। लाइटें ऑफ कर देता हूँ तो ये अपनी ऑफ हो जाती हैं। ठीक है जी, बेसिकली आप कोई भी स्टीयरिंग लगा दो, जब VXI से ZXI से ZXI प्लस, काम तो अपना ऑडियो कंट्रोल ही करता है, अपना क्रूज कंट्रोल तो करता नहीं है भैया। ठीक है, क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट नहीं होता है। ठीक है, बाकी इस गाड़ी के अंदर बिलिंग 1 लाख के प्लस की, तो इसलिए स्टीयरिंग की कॉस्टिंग 2000 रुपए पड़ी है। हाँ जी, अदरवाइज अगर 1 से कम की होगी तो 2500 पड़ती है भैया। तो जो हम लोगों ने बता रखा है आपको मिलेगा, साथ में स्टीयरिंग रैप कर दिया सेम ड्यूल टोन के अंदर मून डिजाइन के अंदर भैया। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मून डिजाइन के साथ है, बेसिकली इंटीरियर को मैच कर रहा है प्रॉपर। गद्दे पे भी आप देखोगे वही कॉम्बिनेशन है, सीट कवर्स भी वही कॉम्बिनेशन है, और स्टीयरिंग रैप के ऊपर भी वही कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में क्रोकोडाइल वाली फ्लोरिंग कर दिया, मेरे को चेकमेट भी समझ आई थी, क्रोकोडाइल भी लगवाई है। ठीक है, अदरवाइज हम तो भैया चेकमेट ही प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, चेकमेट वाली भी लगवा सकते हो, क्रोकोडाइल वाली भी लगवा सकते हो, आपकी मर्जी है। मर्जी है बिल्कुल। और उसके ऊपर मैट लगाए गए हैं जो कि SIPL प्रो वाले रहने वाले लॉन्ग लास्टिंग मैट है, SIPL प्रो सीरीज के मैट जो है वो यहाँ पे लगाए गए हैं। कोडावा सीट का पैटर्न किस तरीके का है वो आप देख सकते हैं, और एक पीस आपको पीछे देखने को मिल जाएगा, मतलब बूट में भी लगाया गया है और यहाँ पे भी लगाया गया है, मैटिंग वगैरह सब हो गई है। बाकी भी हेडरेस्ट लगा दिए कॉम्प्लीमेंट्री भी है दोनों के दोनों पार्ट। ठीक है जी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं दोनों ही लग चुके हैं बिल्कुल। साथ में अब डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, हमने इसमें लगाया था एंड्रॉइड डैप्स का 4GB रैम 32GB मेमोरी विद एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो के साथ लगाया था। तो सबसे पहले आपको टच का रिस्पॉन्स जो है वो चेक करवाते हैं, काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाने वाला है। कई सारे एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड है, लाइक यहाँ पे अपने कई सारे एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड है, लाइक डिजनी प्लस, हॉटस्टार, गूगल है, यहाँ पे क्रोम ब्राउजर आपको मिल जाएगा, मैप है, नेटफ्लिक्स है, प्ले स्टोर आपको मिल जाएगा, इस तरीके से यूट्यूब है, और जेड लिंक के थ्रू आप इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर आपको यहाँ पे मार्किंग देखने को मिल जाएगी। रियर व्यू कैमरा आप लोगों को चेक करवाया, कैमरा का रिस्पॉन्स कैसे कुछ आने वाला है उसकी अगर हम बात करें तो आउटपुट वगैरह जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये कौन सा कैमरा रहेगा बिट्टू भाई? ये ब्लॉपंगा रहने वाला है, ब्लॉपंगा 4.4 कैमरा भैया। ये वाइड एंगल वाला नहीं, वाइड एंगल वाला ही है भैया। अभी गाड़ी का भी पीछे है आपको लग नहीं रहा, बाकी पूरा एरिया कवर करके दिखाएगा भैया। ठीक, मतलब गाड़ी बिल्कुल सीढ़ी पे जो है वो चढ़ी, बिल्कुल सीढ़ी पे एंड पोजीशन पे है। तो यहाँ पे इस तरीके का विजन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बात की जाए क्लैरिटी वगैरह की, तो प्रॉपर जो है वो आप यहाँ पे विब्रो वगैरह पढ़ सकते हैं, मतलब काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। ब्लॉपंगा बेस्ट कैमरा भैया, उससे अच्छा कैमरा नहीं है बस, मतलब अपने पास कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है जी, बाकी आप यहाँ पे देख रहे हो ये क्या चल रहा है अपना, ये एंड्रॉइड ऑटो भैया, गाड़ी में दुकान में बैठे एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट है यहाँ पे वायरलेस। ठीक है, तो ये तो मतलब काफी अच्छा आपको रिस्पॉन्स ऑफर करेगा एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेस लगेगा भैया। जब भी आप अपने पास आएंगे, वाइड चाहिए तो वाइड तो चलेगी, वायरलेस भी मिल जाएगा, दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे बिल्कुल। गाड़ी में एक अच्छा सेटअप था साउंड का, चारों दरवाजे में कॉम्पोनेंट लगाए थे हरमन के। हाँ जी, डैम्पिंग हुई है गाड़ी के अंदर प्रॉपर्ली। ठीक है, मैंने एक एम्प और बूफर लगाया, अच्छा सेटअप बनाया, मतलब आवाज जो है वो अच्छी आएगी, अच्छी आएगी बिल्कुल। साथ में सनग्लास होल्डर लगा दिए, मारुति जेन्युइन पार्ट 3300 इसकी कॉस्टिंग आती है विद इंस्टॉलेशन। ये आप यहाँ पर लुक चेक कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल फिटिंग की बात करें तो प्रॉपर आपको एज टू एज फिटिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी, कोई गैप वगैरह आप महसूस नहीं करोगे। और जैसे कि मैंने आपको डिटेल में दिखाया, ये जेन्युइन प्रोडक्ट रहने वाला है, ये अपना सनग्लास वर्क करेगा और इसको आप डोर के थ्रू और या फिर मैनुअली आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। एलईडी बल्ब यहाँ पे भी लगा दिया गया है, एलईडी बल्ब भी एज इन कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे भी लगा दिया गया है। इस तरीके से रेंज रोवर फ्री है, मतलब काफी चीजें आपको मिल जाएंगी बिल्कुल। बाकी आप चेक करोगे ब्रेजर की वेलकम प्लेट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाली है, जो कि प्रॉपर ब्लू कलर की लाइटिंग के साथ रहने वाली है बिल्कुल। वेलकम प्लेट लगा दी, आफ्टर मार्केट आता ही है, अगर किसी को जेन्युइन चाहिए जेन्युइन भी अपने पास अवेलेबल होता है, मिल जाएगा बिल्कुल। बाकी तो यही काम था गाड़ी के अंदर, बाकी एक GPS चेकर लगाया था भैया का। हाँ जी, आप देखेंगे तो ऑटो वर्ली ब्रांड का रहने वाला है। ठीक है जी, इसकी मैंने कंपनी से पेमेंट हो गई थी इनकी, तो हमारा मतलब डिफरेंट, ये अलग से है। हाँ, ये अलग से, तो ठीक है, सारा काम हो चुका है, सारा काम जो है वो रहने वाला है इस वाली कार में। मिलते हैं कार के ओनर, तो बिट्टू भाई ने कार की सभी एक चीज हमें दिखा दी, मिलते हैं कार के ओनर से और जानते हैं कैसा कुछ उनका फीडबैक आएगा। तो आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम अर्जुन डेढ़ा भाई। भाई आपका नाम? राहुल डेढ़ा। और भाई आपका? कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मयूर फेस वन से। दिल्ली से ही हैं? दिल्ली से। तो यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? यूट्यूब पे देखा था चैनल, तो काफी वीडियो देखी वहाँ पे ब्रेजा की। तो आपने एक मतलब थोड़ा डिफरेंट लेवल का काम करवाया, लाइक एलॉयज वगैरह उसमें काफी अच्छा अपडेट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहूँगा काफी अच्छी लग रही है गाड़ी आपकी, ये बताइए हमें तो अच्छी लग रही है, आपको काम वगैरह कैसा लगा? बढ़िया लगा, काम तो अच्छा है। जो चीज आपने यूट्यूब पे चेक करी वैसा ही काम यहाँ पे मिल जाता है, बढ़िया मिला उससे। बात की जाए फिट फिनिश की, कहीं कुछ कमी आपको फील हुई? नहीं, फिट है अभी तो, काफी अच्छा करा फिट है, सब कुछ आपको जो है ऑन द मार्क मिल जाता है। अगर नंबरिंग की बात की जाए 10 में से नंबर देना हो, कितने नंबर आप देना चाहेंगे? काम में तो 10 में से 10 है, पूरे नंबर रहने वाले हैं। भाई जानते हैं, भाई आप बताइए काम वगैरह आपको कैसा लगा? ओके की रिपोर्ट है भाई। कहीं कुछ आपको कमी फील हुई, मतलब कि जो वीडियोस में देखा आपने यहाँ पर आए हो, तो ऐसा तो नहीं ट्रस्ट टूट जाता है या ना? ना, बिल्कुल भी ना भाई, ट्रस्ट और बन जाता है, मतलब सब कुछ अपना बढ़िया जो है वो रहने वाला है। ठीक है जी, आपसे मैं नंबर पूछूं 10 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे? 10 में से 11, मतलब प्लस मार्क्स जो है वो रहने वाले हैं। भाई से जानते हैं, भाई आप बताइए कैसा रहा काम वगैरह? बढ़िया।
कहीं कुछ आपने कमी फील करी? नहीं, कोई कमी नहीं। मतलब ऑल सारा काम जो है वो बढ़िया रहा। आपकी तरफ से नंबर पूछे जाए तो 10 में 10 पूरे नंबर जो है वो अपने रहने वाले हैं। अच्छा सर, बजट की बात की जाए, क्या बजट में गाड़ी का काम अपना हुआ है? बजट तो 150 से ऊपर पहुंच गया इसमें। 170 ये जो आपने एलॉय लगाया उसको मिला करके, ठीक है, मतलब 170 के आसपास जो है वो रहने वाला है इस वाली कार का बजट। तो जो भी आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे हो वो आपको वर्थ लग रही है? पेमेंट तो वर्थ है, टॉप मॉडल हो गई है बेस से। ठीक है जी सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है। बाकी आप यहाँ तक आए इसलिए बहुत धन्यवाद।